हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप जुडिशरी। आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं कि अगर आपको भी डाउट हो रहा है कि एलएलबी कौन से मीडियम से करें, हिंदी से करें या इंग्लिश से करें, कौन सा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा लॉ है, राइट, वो कौन सी लैंग्वेज में बनता है। तो आर्टिकल 348 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो भी लीगल लैंग्वेज होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में यूज करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे फॉर ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज, जजमेंट्स एंड सो ऑन। एंड देन लॉ जो है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो भी बनाएगा इंग्लिश में। लॉ पार्लियामेंट वो भी इंग्लिश में बनाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने मीडियम्स पे। तो सबसे पहला आता है हमारा इंग्लिश मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए क्या प्लस है, क्या माइनस है? तो सबसे पहला जो प्लस है इंग्लिश मीडियम के लिए वो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जजमेंट, राइट। अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, आप जुडिशरी में जा रहे हैं, तो जो भी जजमेंट्स आपको रेफर करने हैं, क्योंकि स्टे डाइसिस का रूल होता है, एज वी ऑल नो, कि लोअर कोर्ट्स जो होती है उनको कौन से जजमेंट्स फॉलो करने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, और आपको वो जजमेंट तभी आएंगे जब आपको इंग्लिश आती है, राइट। आप उन जजमेंट्स को तभी रेफर कर सकते हैं व्हेन यू नो द लैंग्वेज इंग्लिश, क्योंकि वो सारे जजमेंट्स, वो सारी प्रोसीडिंग्स, हियरिंग्स, सब कुछ इंग्लिश में ही होगी। तो यू शुड नो द लैंग्वेज इंग्लिश टू अंडरस्टैंड दीज जजमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो इंग्लिश आपको वहां पे पॉजिटिव करेगा। वहीं इंग्लिश अगर आप जुडिशरी में एंटर करना चाहते हैं तो जुडिशरी में ऐसे हेल्प करेगा कि मल्टीपल स्टेट्स होते हैं, उनमें इंग्लिश लैंग्वेज काम आ जाती है। हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कोई भी स्टेट में अपीयर कर सकते हैं फॉर जुडिशरी एग्जाम। हिंदी हर स्टेट में यूज नहीं होती है, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश जो है वो सारे ही स्टेट्स में कॉमन होती है, वो सारे ही स्टेट्स में यूज होती है। तो वहां पे आपको जुडिशरी में वो हेल्प कर सकता है एंटर करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगेन वहां पे भी इंग्लिश इज मस्ट। आपको इंग्लिश आनी इज वेरी नेसेसरी। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप उन कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज का ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप लोअर जुडिशरी में एंटर कर रहे हैं या लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पे इंग्लिश थोड़ा सा ड्रॉबैक रह जाएगा, क्योंकि वहां पे सारी प्रोसीडिंग्स होती है वो हिंदी में होती है। फिर चाहे वो राजस्थान हो, यू नो, और भी कोई एमपी हो गया, कोई भी स्टेट ले लो, उनमें मल्टीपल स्टेट्स में यही होता है कि लोअर जुडिशरी में प्रैक्टिस एज वेल एज जजमेंट सब कुछ हिंदी में ही होते हैं। वेयर एज अब हम आ जाते हैं हिंदी मीडियम पे। तो अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम का प्लस क्या रहेगा? हिंदी मीडियम का प्लस है जो इंग्लिश मीडियम का नेगेटिव है, दैट इज अगर लोअर कोर्ट में या लोअर जुडिशरी में आप एंटर कर रहे हैं तो वहां पे आपको हिंदी बेनिफिट कर जाएगा, क्योंकि उनका सारा काम जो होता है वो हिंदी में होता है। और वहीं पे हिंदी मीडियम के नेगेटिव क्या है? हिंदी मीडियम के नेगेटिव अगेन वो होंगे कि अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उसके लिए इंग्लिश जानना जरूरी है। वहीं पे आपको अगर जुडिशरी में भी जाना है, हायर कोर्ट्स की हाई कोर्ट जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट जज बनना है, तो इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी। आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप लोअर जुडिशरी तक सीमित रह जाएंगे। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी का ड्रॉबैक। अब बात करते हैं कि चलो हम हिंदी इंग्लिश मीडियम देख लेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ जुडिशरी में एंटर करना है, तो क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा हिंदी से? क्या हिंदी मीडियम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा या इंग्लिश मीडियम जरूरी है, राइट? ये भी काफी लोगों का डाउट होता है कि हमें तो सिर्फ सिविल जज बनना है। अब बताइए कि क्या हम हिंदी मीडियम से सिविल जज बन जाएंगे या उसके लिए भी इंग्लिश जरूरी है? क्योंकि आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हो रहे हैं वो एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले कम सेलेक्शंस होते हैं, तो वो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि हमारे इतने मीडियम से कम सेलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो वो कुछ भी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है, वो सारा डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी।
इफ यू हैव दीज टू क्वालिटीज, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी, तो फिर आपका कोई भी मीडियम हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, लोअर जुडिशरी क्रैक करना इज नॉट दैट टफ, बहुत ईजी है। लेकिन वहीं पर हिंदी लैंग्वेज से जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सर्टेन स्टेट तक सीमित रह जाएंगे, सारे स्टेट्स को कवर नहीं कर सकते, वेयर एज इंग्लिश लैंग्वेज से आप सारे स्टेट्स कवर कर सकते हैं। जैसा कि अभी DJS की वैकेंसी भी आ रखी है, तो वहां पर भी सिर्फ इंग्लिश वाले ही अपियर कर सकते हैं, हिंदी वाले दे कैन नॉट अपियर फॉर DJS एग्जाम। तो वही होता है ना कि हिंदी मीडियम से आपके कुछ स्टेट्स के स्कोप खत्म हो जाते हैं। एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अगर आपको रेफर करने हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट करने हैं, तो वहां पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इंग्लिश मीडियम में अपना लॉ करिए। बट ऐसा है ना, कुछ लोग होते हैं कि नहीं कर पाते, उनका थ्रू आउट जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से रहा है, तो अब हम क्या करें? तो उस केस में डोंट वरी, डोंट बी हेजिटेट, आप अपना हिंदी मीडियम में कंटिन्यू करें, आप LLB हिंदी में कर लीजिए। लेकिन वहीं पे अपनी वॉकैब को एनहेंस करिए, आप रोज को जजमेंट्स पढ़िए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश पे थोड़ा वर्क करिए, ठीक है? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंग्लिश ही हेल्प करेगा, हिंदी में ज़्यादा स्कोप नहीं होता, इंग्लिश में स्कोप ज़्यादा होता है। अगर आपको कॉर्पोरेट फॉर्म्स में जाना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो यू नो हिंदी में लोअर जुडिशरी तक, लोअर कोर्ट्स तक सीमित रह जाते हैं, वहीं पर इंग्लिश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपके स्कोप काफ़ी खुल जाते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम जैसे देखते हैं कि इंग्लिश टीचर्स जिनको इंग्लिश ज्यादा आती है, जुडिशरी में भी जो इंग्लिश ज्यादा पढ़ाते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी है, तो कोई भी डाउट नहीं रखे और कोई भी टेंशन ना रखे दिमाग में, बस इतना सा काम करिए कि अपनी वॉकैब को एनहेंस करिए। और ऐसा नहीं होता कि वो रातों रात हो जाएगी, उसमें भी टाइम लगेगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और उसके लिए बेस्ट चीज क्या होगी कि आप डिग्लॉट एडिशन की बेरेक्स ले लीजिए, बेस्ट चीज यही रहेगी। जब भी डिग्लॉट एडिशन की बेरेक लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, आधे में हिंदी में लिखा होगा, आधा इंग्लिश में लिखा होगा, तो आप हिंदी का भी पढ़िए एंड इंग्लिश का भी पढ़िए। तो उससे आपका जब बार 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 उस चीज को पढ़ेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।